Never understood a word they said. Kept running in the woods alone instead. Somewhere, somehow I guess. Hi everyone, namaste and welcome to my channel. So I'm vlogging today. Today is Tuesday. मैंने इस बार वीकेंड का जो व्लॉग होता है जो मैं करती हूँ यूजुअली वो नहीं किया था बिकॉज मैं वीकेंड में किसी और काम में ही बिजी थी. तो मैंने सोचा आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं. तो आज मुझे क्या करना है, आज काफ़ी बारिश हो रही थी, मतलब सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बट अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है. एंड मुझे जाना है थोड़ा सा काम के लिए, कुछ जाना है. तो वो जो जहाँ पर मुझे जिस ऑफिस में जाना है वो ऑफिस है मेन थाने मार्केट में, मतलब आई लिव इन थाने वेस्ट एंड मुझे जाना है थाने ईस्ट की तरफ में. और बारिश अभी रुकी है तो आई एम थिंकिंग टू गो देयर एज वेल. तो आज मैं दो तीन काम करवाने वाली हूँ. एक तो मुझे ना मेरे बाल ना थोड़े लंबे हो गए, दिख रहे हैं आपको ये वापस से, जब ये बिल्कुल भी थोड़े से भी लॉन्ग हेयर चाहिए ही चाहिए, नहीं मुझे छोटे करवाना है. तो मैं वो करवा लूँगी क्योंकि आजकल ना ये भी भरोसा नहीं होता कि अभी पार्लर खुले हुए हैं फिर कब बंद हो जाएगा, कब मिलेगा. तो मैं नीचे वाले पार्लर में ही जाऊँगी, करवाऊँगी और वो करवाने के बाद साथ के साथ निकल जाऊँगी मेरा काम कराने के लिए. तो आई एम होपिंग, अब देखती हूँ विक्की चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा बिकॉज आज वीकडे है, उसके कॉल्स होना स्टार्ट हो जाती है. एंड अभी बज रहा है 12 बजे, हमारा लंच हो चुका है, मेरा शावर हो चुका है, खाना बन, ऑब्वियसली खाना बन गया इसलिए लंच भी हो गया, मतलब मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ. और वैसे आज मुझे वीडियो भी शूट करना है तो लेट्स सी, देखते हैं. तो आज काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है, हमारा खाना वाना सब कुछ हो गया है यहाँ पर. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं बालों को ड्राई करती हूँ. संडे से बहुत बारिश होना स्टार्ट हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हुई है एंड वार्निंग भी दिया गया था, मतलब 2-3 दिन का. तो आपने देखा होगा न्यूज़ में आई एम श्योर. तो जो लोअर एरिया होता है मुंबई का, जो लोअर साइड एरिया होता है वो तो काफ़ी पानी भर गया था. बारिश में यही दिक्कत होता है, बाल ड्राई नहीं होते हैं. तो मैं बाल ड्राई करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. हे गाइस, तो आई जस्ट गॉट रेडी और मैंने एकदम सिंपल सा ना ये टॉप पहना हुआ है, जीन्स पहना हुआ है, पीछे आपको दिख गया होगा. तो मैं अभी जा रही हूँ एंड फटाफट से अपना काम खत्म करके आती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ. आई माइट नॉट व्लॉग आउटसाइड क्योंकि मैं थोड़ी बिजी काम के लिए जा रही हूँ. सो या लेट्स गो. सो आई एम बैक और जो भी कपड़े वपड़े थे वो सब वॉश करने के लिए डाल दिए हैं और मैं काफ़ी लेट हो गई, मतलब मैं 4:30 पे आ गई थी बट फिर उसके बाद बनाना मिल्क शेक वगैरह पिया मैंने. और हाँ, तो मैं गई थी स्पेशली इसलिए जो काम था वो तो मेरा हो गया है और दूसरा काम ये था, मैंने सोचा था मैं अपने हेयर की हल्की सी ट्रिमिंग करा लूँगी बट नहीं, टाइम लेट हो गया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी. तो फिर मैं वापस से ऊपर आ गई. तो अब बालों की ट्रिमिंग देखते हैं कब कराते हैं. और आज ना मैंने सुबह वो लिया था, थोड़ा सा स्पा करा था अपने बालों में प्रॉपर, वो जो मैं हीटिंग कैप लगाती हूँ ना, जो स्पा कैप है वो लगा लगू करके मैंने स्पा लिया था. मेरे बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. अभी कुछ नहीं, मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगी, मेरे को हॉल वीडियो शूट करना था. मैंने एक बहुत अच्छी ड्रेस मंगवाई है, तो आप हॉल वीडियो ज़रूर चेक करिएगा, अच्छे अच्छे कपड़े आए. अभी तो कुछ नहीं, अब मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, आज का दिन मेरा ख़राब हो गया. ख़राब नहीं हुआ है मतलब, लेकिन अब शूट वाला नहीं रह गया ना, मैं शूट कर पाऊंगी. और मुझे एक थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है बट अभी को सिस्टम पर बैठने का मन नहीं कर रहा है. ये बुद्धा जी का प्लांटर है. एक्चुअली हमारे एक और फ्रेंड रहते हैं यहाँ पर, उनको ना कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ की वजह से उनके होम टाउन जाना पड़ा. देन उनका एक प्लांट ये था और एक प्लांट था वो बैम्बू का था. तो मैंने उनको बोला बैम्बू के प्लांट को कुछ नहीं होगा, उसको आप पानी में डाल के चले जाना, ये वाला यहाँ पे रख जाओ, इसको मैं पानी देती रहूँगी. तो उसमें 3-4 नई नई लीव्स आई हैं. ओके, सो शाम हो गई है एंड फटाफट से कुकिंग कर लेते हैं. तो कुकिंग में एक्चुअली सुबह का आटा ना थोड़ा सा ही रखा है, आई थिंक सिर्फ 3 चपातीज बन पाएंगी. तो मैं थोड़े से चावल रख रही हूँ बिकॉज अभी आटा नहीं घूमना है. विक्की बोल रहा है कि कुछ हल्का सा चावल भी खा लेंगे चलेगा. मैं क्या करने वाली हूँ, चावल बनाऊंगी. तो शाम को यूजुअली ना चावल नहीं खाने चाहिए, थोड़ा नुकसान करता है और मौसम ठंडा हो गया है. तो मैं क्या करती हूँ, उसमें जीरा राइस बना देती हूँ, तेज पत्ता डाल देती हूँ, मुझे एक्चुअली क्लचर चाहिए अपना. हाँ, तो मैं तेज पत्ता डाल देती हूँ उसमें. तो उससे क्या होता है, बे लीफ, मतलब उससे क्या होता है कि जो चावल की तासीर ठंडी होती है और वो ये सारी जो गर्म मसाला होता है ना जो हम डालते हैं, बे लीफ एंड जीरा, ये उसको कट कर देता है. तो वो ठीक रहता है, मतलब नुकसान नहीं करता है. जिन लोगों को रात में चावल सूट नहीं करते, इस तरीके से आप खा सकते हैं. और ये हमने डाला घी, साथ में तेज पत्ता डाल देंगे. ये
जब तक राइस कुक हो रहे हैं आई एम गोइंग टू मेक चपाती. तो चपाती के लिए सिर्फ 3 रोटी का आटा बना हुआ है, इसलिए मैं राइस बना रही हूँ. अदरवाइज राइस हम लोग ऐसे है कि वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक से ज्यादा नहीं खाते हैं. ओके गाइस, आई एम डन विद एवरीथिंग. सब कुछ क्लीन भी हो चुका है. ये देखिए अभी गीला दिख रहा होगा, तो ये एकदम क्लीन कर दिया है मैंने पूरा गैस वैस सब कुछ, और हमारे राइस बन चुके हैं. तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ डिनर करने के बाद. ये देखो भाई, ये कौन सा पोजीशन है. ओके गाइस, तो अभी हम लोगों का डिनर भी हो चुका है, घर पे बात हो चुकी है, एंड इट्स 9:30 राइट नाउ. तो 9:30 तक तो मुझे थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी फील होने लगता है, अगर मैं सुबह मतलब दिन में नहीं सोई हूँ वो तो. एंड बारिश अभी तो बंद है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है. नाइट स्किन केयर रूटीन करूँगी, और साथ में मेरे का आज फेस पैक लगाने का मन कर रहा है. और एक और चीज़, विक्की खाता है, मैं नहीं खाती हूँ, बट विक्की ने कल मुझे खिलाया तो बहुत टेस्टी लगा था मुझे ये, इसलिए मैं ये खा रही हूँ. तो ये है ग्रीन जो सौंफ होती है ना, वो क्या क्या है इसमें, मिश्री सौंफ एंड बादाम, उसका ये पूरा वो बनाया है, पाउडर बनाया हुआ है अच्छे से बिल्कुल. तो इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है कि आई साइड अच्छी होती है आपकी. और क्या होता है, एसिडिटी भी होती है, बाल कहाँ से अच्छे होते हैं पता नहीं मुझे, बट मैं सिर्फ इसको इसलिए खाती हूँ. एसिडिटी नहीं हुई मुझे, को कल बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं हुई. और ये जो है ये काफी अपने मतलब हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को डेफिनेटली मालूम होगी ये ट्रिक, और बोलते हैं कि आई साइट अच्छी करने के लिए ये रामबाण इलाज होता है. तो इक्वल मात्रा में आप तीनों चीजें ले लो, सौंफ, मिश्री मतलब वो जो मोटी वाली होती है, स्क्वायर छोटी वाली नहीं, थोड़ी मोटी बड़ी वाली जो आती है, और बादाम, बस ये तीन चीजों को इक्वल पीस करके छान लो अच्छे से. वो सब तो ठीक है, दांतों में ना है, और ऐसे चट्टुओं की तरह नहीं खाना, एक ही चम्मच खाना. मैं लगाऊंगी रात में ना फेस पैक. देख बहुत टैलेंटेड एक्टर, करके दिखा. हंसने का काम नहीं बोल रहा हूँ, अभी कर रही थी वो बता. आप कल से आई? आप कल से आई नहीं आई? ये यहाँ पर खड़े होके क्या कर रही थी बता बेटा, ये ऐसी कुछ हरकतें कर रही थी, ये क्या दिख रही है अभी, है ना. हमारे आजू बाजू वाले लोग सोचते होंगे भाई कौन रहते हैं यान के घर में. सुवर्णा हल्दी चंदन ब्राइटनिंग फेस पैक, तो ये मैंने फेस पैक लगा लिया है. पेस्ट बनाया तो मेरा सिर्फ इतना और इतना ही लग पाया, यहाँ लग ही नहीं पाया था. बारिश का जो वेदर होता है ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए वर्स्ट होता है, मतलब स्किन इश्यूज होते ही होते हैं कुछ ना कुछ, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट अप्लाइड इट. ओके गाइज, आई जस्ट वॉश माई फेस एंड नाउ अप्लाइंग नाइट क्रीम. मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिलती हूँ कल. गुड नाइट. हाई गाइज, गुड मॉर्निंग. एंड मैं जस्ट अभी सुबह थोड़ी देर पहले सो करके उठी हूँ, और सो करके वैसे तो मैं मोबाइल चेक करती हूँ, बट मैं अच्छी चीज़ें देखती हूँ, जैसे कुछ अभी के शिवानी का वीडियो देख लिया, या कुछ अच्छा चला दिया, या मतलब जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो देखती हूँ. मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें ना देखूँ कि सुबह देखते से मेरा दिमाग एकदम से थोड़ा आउट हो जाए. तो अभी क्या हुआ, मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, एंड इंस्टाग्राम ओपन करते से मैं यूजुअली मैंने एक ऐसा पोस्ट देखा टीचर के ऊपर था, मतलब एक एजेड मतलब अपने पापा लोगों की एज के टीचर थे, एंड बच्चे बैठे हुए हैं, आई थिंक 11th 12th क्लास के बच्चे लग रहे हैं मुझे वो. माय गॉड, वो देख करके अभी मैंने अभी जस्ट अपने इंस्टाग्राम पे उसको रीशेयर किया, मेरी ऐसे आत्मा बाहर आ रही थी. मतलब इमेजिन कि उनके जगह पे अगर अपने पापा होते तो इतनी बदतमीजी चल रही है उस पूरे क्लास में कि मुझे देख करके ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा भाई, मेरा मूड थोड़ा वैसा हो गया था. एंड अभी बारिश हो रही है सुबह से, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, मतलब तेज़ नहीं हो रही है, नॉर्मली हो रही है, बट हाँ बारिश है, अच्छी खासी बारिश है ना, काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया है. एंड जब से ये बारिश स्टार्ट हुई है हमने एक भी बार पकौड़े नहीं खाए हैं, तो आज मेरा मन है थोड़ा पकौड़े वगैरह खाने का. तो अभी सुबह तो नहीं खाएंगे, सुबह हम लोग नॉर्मल सैंडविच बनाने का सोच रही हूँ मैं, और फिर शाम को उसी का ब्रेड पकौड़ा बना दूंगी जो मैं सैंडविच बनाऊंगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ. कल बताइए, इसने मेरे को बोला कि आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है, और अब सुबह से मैंने इसको बोला आज तो विक्की की छुट्टी है, छुट्टी तो बताए मुझसे क्या बोल रहा है कि नहीं मेरी कोई छुट्टी नहीं है. क्यों, हेलो ए नौटंकी, किंग ऑफ नौटंकी.
तो यस, और वैसे आज मुझे एक शूट भी करना है, और कल जहाँ मैं काम करने के लिए गई थी वहाँ मुझे एक और मेरा एक काम पेंडिंग है, तो आज विक्की भी जाएगा वहाँ पर साथ में लेकर के गाड़ी से, मतलब 2 मिनट का हमारा काम है छोटा सा करके आ जाना है, और शूट भी करना है आज मुझे. सो यस, लेट्स स्टार्ट द डे. टैटूज जो हैं वो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और अभी तो जैसा है कि सब भूख भूख भी नहीं लग रही है, तो तब तक मैं अपना वीडियो शूट करके ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मुझे हॉल वीडियो बनाना है, तो मैं फ्री हो जाऊँ ताकि 2-3 बजे तक मेरा फ्री हो जाएगा. और अगर इनकेस मुझे एडिट भी करना होगा ना, क्योंकि ये वीडियो मैं ट्राई कर रही हूँ कल लाइव चली जाऊँ, तो अगर मुझे एडिट भी करना होगा इनकेस, तो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी. मैंने अपनी जो पोजिशन है वो डिसाइड करी है. यहाँ पर क्या है ना, लाइटिंग्स काफी अच्छी आ रही है. ऐसा इसके अंदर घुसा के रखा हुआ है, ये देखिए, मतलब टपक रही है इसमें से. ये खोलूंगी, नीचे टपकेगा. ये टपका, ये है, ये सब मेरा सामान है जो मुझे बनाना है. तो ये है सारा स्टफ. नेक्स्ट, तब तक मैं क्या करती हूँ, फटाफट से रेडी होना स्टार्ट करती हूँ. तो आई जस्ट वॉश माई फेस एंड मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है. तो अभी मैं अपने फेस पे सबसे पहले तो मैं ब्लश लगाऊंगी. जो टॉप मैं पहनी हुई हूँ ना, ये मैंने मिंत्रा से लास्ट ईयर आई थिंक हॉल में ही शेयर किया था. मैंने इन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया था, लेटी शॉप वालों के साथ, तो तब मैंने ये मंगवाया था. ओनली का टॉप है, एंड आई थिंक मैंने बोला भी था कि इसका नेक बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड ये यहाँ से भी ना बहुत ज़्यादा स्लिप होता है. तो ये मैंने कभी भी नहीं पहना, मतलब फर्स्ट टाइम तब उस वीडियो में पहना था, और सेकंड मैंने लाइव तो कभी पहना ही नहीं है. वीडियो में तो फिर भी ऐसा होता है कि आपको स्ट्रेट बैठना होता है तो चल जाता है. मैंने यहाँ पे पिनअप किया हुआ है, तो जब तक अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये ब्लश, ताकि यू नो वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोमिनेंट सा ना दिखे बाद में अगर मैं यूज़ करूँ तो. हल्का सा कंसीलर, तो मस्कारा मैं नहीं लगा रही हूँ, ये मेरे नेचुरल आई लैशेज हैं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, बस दिस विल गोइंग टू बी माई मेकअप. मैं आईज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ. मेकअप लुक्स लाइक ओके गाइस, सो आई गॉट रेडी, और अब मैं वीडियो शूट करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. फिल्मिंग द वीडियो, एंड मैंने जैसे ही बाहर देखा तो पूरा ऐसा धुंध हो जाता है ना, ये वैसा धुंधला हो गया है, दिख रहा है? कैन यू सी इट? आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा ही दिख रहा है, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह एकदम ऐसे फॉगी फॉगी हो गया है, सिर्फ ये सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है. ओके गाइस, आई एम डन विथ माई फिल्मिंग, और उसके बाद अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है, बट ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना हमको जाना है, तो खाना खाऊंगी. सबसे पहले तो अभी मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है. बट खाना बनाने से पहले ये जो मेस है ये मैं क्लीन करती हूँ. यहाँ पर हमने ऑयल लिया है, उसमें हमने ये राई डाल दिया है, उसके बाद करी लीव्स डाल दी है, मतलब कड़ी पत्ता, उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, साथ ही साथ ग्रीन चिलीज भी डाली है. इसको हम थोड़ा सा यू नो फ्राई होने देंगे. उसके बाद यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया है. अब हम यहाँ मसाला डालेंगे, तो मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला है एंड हल्दी डाली है थोड़ी सी, और अब मैं यहाँ पर जो मैंने बॉयल पोटैटोज करे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं. यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाला है, आमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है. तो ये जो मसाला होता है ना, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट डोसा हो गया, सैंडविच हो गया, पानी पूरी का मसाला हो गया, सब में मैं यही इसी तरीके का मसाला बनाती हूँ. तो ये हमारा जो मसाला है वो बनके रेडी हो चुका है, एंड इसको मैश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सैंडविच के लिए बनाना है, अंदर फिलिंग करना है. इवन आप आलू के पराठे के लिए भी इस तरह का मसाला बना सकते हो. एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल दी है इसके ऊपर. तो ये हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, ब्रेड ले लेंगे. तो यहाँ पर हमने होल व्हीट जो ब्रेड होती है वो ली है. उस पर मैंने दोनों तरफ आजू बाजू बटर लगा दिया है, एंड मैं एक पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस है वो लगा रही हूँ. उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू का मसाला डाल दिया है, एंड अंदर जो जो फिलिंग आपको करनी है आप उस तरह की फिलिंग कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने डाली है, क्या बोलते हैं इसको यार, वाइट कलर का जो होता है, मैं इसका नाम बिल्कुल भूल गई हूँ. और यहाँ पे मैंने अनियन डाल दिया, टमाटो डाल दिया, क्यूकम्बर नहीं था अदरवाइज मैं मोबू डालती. फिर मैंने यहाँ पे चीज़ डाल दिया है, एंड चीज़ डालने के बाद फिर बस इसके ऊपर हम लोग एक और जो ब्रेड है उसमें आगे पीछे बटर लगाएंगे, एंड साथ में थोड़ी सी सीजनिंग भी आप लगा सकते हो. और बस ये हमने इसको यहाँ पर सैंडविच जो हमारा ग्रिलर है मेकर है उसमें रख देंगे.
अभी मैं जस्ट रेडी हुई हूँ, दिखाती हूँ मैं क्या पहनी हुई। ये अमेजोन में दिखाया था ना मैंने, ये वाला टॉप ऐसे ही ये फैला हुआ है क्योंकि अभी फटाफट से काम खत्म करवा के आते हैं, 4 बजे सब बंद हो जाता है, तो अभी सारे काम ना उसके अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। और मैंने मेकअप भी नहीं धोया है क्योंकि अभी वैसे भी एनीवेज मुझे मास्क लगाना है, मैं आकर के शार लूंगी। तो हम लोगों का जो काम है वो हो चुका है एंड अब हम जा रहे हैं घर। काफ़ी लेट हो गए हैं, मुझे लगा था 1 घंटे का काम होगा बट 2.5-3 घंटे लग गए हैं। मतलब हम निकले थे ये सोच करके कि 3 बजे तक घर आ जाएंगे बट अभी बज रहा है 5। तो कुछ नहीं, अभी यहीं पर खड़े हुए हैं, कुछ काम से कुछ सामान आ रहा है हम लोगों का। सो यस, अब मैं आप लोगों से घर पहुंच करके मिलती हूँ। बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। हाय गाइस, वी आर बैक और आकर के मैंने शार भी ले लिया है, विक्की ने भी शार ले लिया है। विक्की बैठा हुआ है, मैं चिल मार रहा है और मैं ये सब Hey guys, तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मैं आपको बाहर वेदर बताती हूँ। इतनी ज़्यादा थंडरिंग हो रही है आज, मतलब इस साल की बारिश की सबसे मैक्सिमम थंडरिंग अभी हो रही है एंड साथ ही साथ इतनी ज़्यादा यू नो बिजली चमक रही है, बहुत ख़तरनाक वाली। तो ये देखिए, आई डोंट नो, लुक एट दिस, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है एंड हवा भी है। तो अपन ये बंद कर देते हैं, फालतू में बाहर नहीं जाते। तो मैंने क्या करके रखा, एक वो वाला कर्टन भी डाल दिया है और दूसरा ये कर्टन डाल दिया ताकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे थंडरिंग की आवाज़ ना हो। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं यहाँ पर सारे जो भी मेरे बिल्स हैं ना, बिल्स को सेग्रीगेट करके उनको ऑर्गेनाइज करने की ड्यूटी ये सब मैं मैनेज करती हूँ। मतलब सारे बिल्स को मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी सी फाइल है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी चीज़ें हम परचेस करते हैं जिसका हमको बिल मिलता है उन सब के बिल्स मैं इसके अंदर करती हूँ। फ्रिज आया था या सोफा आया है या कुछ भी आया है, मोबाइल आए हैं, हर चीज का, इसमें मेरा जो फर्स्ट लैपटॉप था या एक्स वाई जेड जो भी हम लेते हैं उन सब के बिल। तो ये फाइल मेंटेन करते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो अभी काफी रात हो गया, मतलब 9:30 बजे तो ना मेरे को ऐसा लगता है मेरी बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप और स्किन केयर करती हूँ मैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आज थर्सडे है, कल वेडनेसडे। थोड़ी देर पहले सोकर के उठी हूँ और अभी कुकिंग कर रही हूँ। तो एक्चुअली बारिश के टाइम पर होता है ना कुकिंग के लिए कुछ ऐसे समझ में नहीं आता है कि डेली क्या कुक किया जाए, क्या बनाया जाए। और अभी तो ना इतनी वेजीज भी नहीं आ रही, तो हम लोगों ने धनिया मंगवाया था। धनिया कॉस्टेड 80 रुपीज का, इतना धनिया आया था 80 रुपीज का एंड 360 रुपीज केजी वो लिए है, पोमेग्रेनेट अनार लिया है। मतलब इतनी एक्सपेंसिव सब्जी आई है, फ्रूट एंड सब्जी मिला करके। और स्पेशली यहाँ जैसे एरिया में हम अभी करेंटली आए हैं ना, यहाँ नीचे आसपास सब्जियाँ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन जब हम पहले रहते थे ना तो वहाँ पीछे ना एक मार्केट था, नॉट इन द सोसाइटी, सोसाइटी के थोड़ा आगे जा करके वॉकिंग डिस्टेंस पे पीछे एक मार्केट था, उधर पे इतनी सस्ती सब्जी मिलती थी। मतलब लिटरली 20-20 रुपए का धनिया भी हमने वहां से लिया हुआ है, बट यहाँ पे तो बाप रे ऐसे इतना एक्सपेंसिव है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव, और बार्गेन नहीं करते। तो मैं विक्की को ये बोल रही थी कि अपन ये कर सकते हैं कि 10 डेज में या 7 डेज में एक दिन उसे एरिया में जा करके, अब वो हमारे घर से अब कितने किलोमीटर है, 3.9 किलोमीटर है। तो विक्की बोलते पेट्रोल महंगा हो गया है, वहां जाएंगे मतलब वो ऑलमोस्ट कहीं ना वो हो जाएगा, मतलब 20-30-50 रुपए का फायदा करने के लिए अपन पेट्रोल लगा करके वहां जाएंगे। और ये वो वी वर डिस्कसिंग, अरे अब एनी सीजन में सब्जियां बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की सब्जी, पता नहीं मैंने शेयर किया है कि नहीं किया है पहले कभी। सो दिस इज यू नो एकदम क्विक फटाफट बन जाती है, तो बनाते हैं फटाफट से। और ये गरम गरम रोटी के साथ लगता भी बहुत अच्छा है बेसन। तो ये हम लोगों ने ले लिया है बेसन, अभी हम इसको प्रॉपरली पेस्ट बनाएंगे।
तो यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, मतलब अभी इसको आपको ऐसे इस तरह से पेस्ट बनाना है कि इसमें कुछ भी लम्स वगैरह नहीं आने चाहिए एंड अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेना है अब, और उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना रहता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज एंड अनियन लिया है, यहाँ सबसे पहले मैंने हींग डाला है, उसके बाद यहाँ पर राई डाली है, उसके बाद यहाँ पर डाला है जब ये राई अच्छे से हो जाती है तो जीरा डाला है एंड यहाँ पर ग्रीन चिलीज डाल दी है, उसके बाद अनियन डाल दिया है। अनियन को यहाँ पर बहुत ब्राउन नहीं होने देना है बट हल्का सा बस सौते करना है। उसके ऊपर यहाँ पर हमने डाला है हल्दी, मिर्ची एंड धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले को हार्डली 40-50 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाल दिया है और अब मैं आपको बेसन की कंसिस्टेंसी बताती हूँ, देखिए कितना लिक्विडी है, तो इतना लिक्विडी रहना चाहिए। एंड ये हमने डाल दिया है इसको कढ़ाई में और अच्छे से आपको उस टाइम जो है ना अपनी करछी चलानी होती है, अदरवाइज़ ये चिपक जाता है नीचे, ऐसा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस में हुआ था। एंड अच्छे से कुक करना है, 20-30 मिनट्स तक कुक करना होता है इसको प्रॉपरली। थोड़ा और पानी ऐड कर लीजिए एंड देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी होती है, मतलब कच्चा नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है गरम गरम घी लगी रोटियों के साथ। दिस इज़ हाउ दिस बेसन लुक्स लाइक, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। और इसको अनियन में लेमन डाल करके एंड काला नमक डाल करके खाने, ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो येस गाइज, दैट्स इट, मैंने शार वगैरह सब कुछ ले लिया है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो आई एम गोइंग टू सिट एंड हैव माई लंच नाउ बिकॉज 12 बजे तक तो मुझे एनी वेज बहुत भूख लगने लगती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद, मैं एडिटिंग करते टाइम अभी जस्ट मुझे याद आया दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट आई हैव स्टार्टेड माय न्यू स्टोर। ये न्यू स्टोर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक अमेज़न का फैसिलिटी होता है जिसमें मैंने अपना एक पेज बनाया है, स्टोर बनाया है, उस स्टोर में जाकर के आप शॉपिंग कर सकते हो। अब मैं क्या कैमरा यूज़ करती हूँ, मेरा कौन सा ट्राइपॉड है, मेरा रिंग लाइट क्या है, जैसे ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं ना, मैंने बेडशीट कौन सी यूज़ करी है, मैंने कर्टन क्या यूज़ किया है, मेरे घर में कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब एवरी थिंग, इवन माई वॉशिंग मशीन एंड वॉट नॉट, मैंने हर चीज़ उस स्टोर में डाल दिया है। तो अब मैं सिर्फ उस स्टोर का लिंक डाल दिया करूँगी, आपको मेरी सारी चीज़ें, इवन कपड़े, मेकअप, फैशन एंड वॉट नॉट, मतलब जो मेरी डे टू डे लाइफ में जो भी सामान मैंने अमेजन से अब तक परचेज किया है वो सब कुछ मैंने उसमें डाला है। अगर मैंने कुछ चीज़ उसमें मिस करी है सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, में उसमें ऐड कर दिया करूंगी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोगों को। नया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।